इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में डायमेंशन पूछा है, एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और थर्ड पूछा है अपने को गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला गिवन है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, एनर्जी हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन होता है m1 l2 t-2 राइट, और मास m1 होगा और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डायमेंशन m0 l2 t-2 के इनवर्स राइट। ये डायमेंशन होगा अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसके लिए फॉर्मूला गिवन है एल फाइनल इज इक्वल टू एल नॉट 1+ अल्फा डेल्टा टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टी फाइनल टेम्परेचर पर लेंथ गिवन इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और सिंप्लीफाई करो अल्फा की टर्म में तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ को भी हम लेंथ से लिखेंगे, लेंथ वन, ये भी लेंथ वन और ये केल्विन वन टाइम, तो लेंथ लेंथ कैंसल, तो यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा के इनवर्स। ग्रेट, नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट फॉर्मूला गिवन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी आर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ओके, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, और ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये टेम्परेचर, एरिया एरिया कैंसल। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, m1 l2 t-1, लेंथ का l1 और ये मोल और टेम्परेचर केल्विन। तो अपने पास अच्छे से डायमेंशन आ जाएगा क्या, मास एक बार है, लेंथ तीन बार है, टेम्परेचर -1, केल्विन -1 और मोल भी इनवर्स राइट, मोल इनवर्स MOL इनवर्स राइट। ये होगा डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।